कस्बा माहौल आजम फाइनल मुकाबला नोनारी बनाम बंदी खिला के बीच खेला जाएगा। 2+2 ओवर का खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। मोहम्मद फैज तैयार सत्तारे की, ये रही फाइनल की पहली गेंद। पैरों पर उसे निकाला है एक विकेट। दोस्तों का मैच है, 11 गेंद बची है। फाइनल ट्रॉफी जो विनर प्राइज के साथ दी जाएगी 11,000 रुपए, और रनर अप टीम को कैच प्राइज 12,000 रुपए है। पहली गेंद के लिए ताली तैयार। अच्छी भी दोस्तों को चोट नहीं है बचाए लिए सुकम है कैच रहा जबरदस्त फील्डिंग। हेलो भाई आसिफ से भाई टीम ने बचाया है इस पर। वाकई में बेस्ट फील्डर का अगर नाम हो तो उस खिलाड़ी के लिए जरूर होगा। भारत के लिए टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन बचाव किया है। बेस्ट फील्डर का इनाम इस खिलाड़ी को वाकई में देना चाहिए। अबे छोड़े ना एक को। एक ओवर में 6 रन बने हैं। अब आखिरी ओवर में अगर 6 गेंद पूरी खेले तब तक ही काम बनेगा, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है बिल्कुल केडीपी हार गई। सेमीफाइनल मुकाबला हार गई केडीपी हंजला। जबरदस्त बॉलिंग और ये रन स्टंपिंग। अस्पर भाई एक नंबर फील्डिंग, एकदम बहुत बढ़िया फील्डिंग। हार गई 10 मिनट पहले आतिफ भाई। कितना रन और कितना ओवर, एक ओवर में स्कोर 6 रन है भाई। दूसरा ओवर चल रहा है, 2+2 ओवर के फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है बंदीगढ़ बनाम नोनारी के बीच। साफ वीडियो नहीं है भाई, और कितनी साफ चाहिए मेरे भाई, नेटवर्क तो सही है। और ये आउट बंदी कला के लाल नरमा अरहम एंड आते है।
ये तो आने वाला बात बताएगा। पहली बाउंड्री दूसरे ओवर में आ रही है। ग्यारह रनों पर स्कोर जा पहुंचा है, दूसरा ओवर चल रहा है। बारह रन स्कोर हो चुके हैं लास्ट के दूसरे ओवर के लास्ट के। नुनारी के जवानों, हजार रुपए का तोहफा हमारी तरफ से, घर आकर ले लेंगे इब्राहिम से। और ये वाइड बॉल, तेरह रन स्कोर जा पहुंचा है और ये लास्ट गेंद। और ये लास्ट गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, क्या फील्डिंग है। पहले असफर, उसके बाद वो एक और खिलाड़ी, तेरह रन बनाकर बंदी के लाने 14 रनों का टारगेट दिया है नुनारी को। फाइनल मुकाबले में 14 रन बनाना है फाइनल मुकाबला जीतने के लिए नुनारी को। फिर भी इंशाल्लाह बंदी कला जीतेगी। अब बॉलिंग अच्छी करनी होगी बंदी कला को। 14 रनों का टारगेट है 12 गेंदों पर। मौलाना अंसार के भतीजे आए हैं तो हाथ उठा दे। अशरफ और फैज़ की जोड़ी मैदान। 12 गेंद है, 14 रन ये मुकाबला जीतने के लिए नुनारी को। फाइनल मुकाबला पहला झटका लगते हुए नुनारी को, फैच आउट। पहली गेंद पर पहला झटका, 11 गेंद है, 14 रन, एक विकेट गिर चुका नुनारी का। पहला विकेट, पहला झटका लगा है नुनारी को। देखते हैं आपके भाई क्या करते हैं। भाई अच्छा, पहला विकेट यहाँ पे गिर चुका है नुनारी का। ग्यारह गेंद है, 14 रन, एक कार्ड बॉल, 10 गेंद है, 14 रन नुनारी के मुकाबला जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आप। सौ के नाम जो गेंदबाजी हो रही है वो सौ नहीं, हजार की है भाई। वाह भाई जीतता है। और ये अच्छी फील्डिंग और ये रन आउट का चांस, लेकिन बच गए खिलाड़ी। असर आए हैं अभी स्ट्राइक पर। देखिए अब क्या होता है, असफर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर। 9 गेंदें, 13 रन चाहिए, 9 गेंदों पर 13 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए नुनारी को। फैज भाई आउट हो चुके हैं यासिर भाई, पहली ही गेंद पर फैज आउट हो चुके हैं। और इस
और ये पहला चौका अस्फर के बल्ले से, स्कोर 5 रन पे जा पहुंचा है। 9 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए नोनारी को। और ये एक और विकेट, सारी रन आउट। देखिए क्या होता है यार। आठ गेंदें बची हुई हैं, अभी भी 9 रनों की जरूरत। दिलचस्प फाइनल मुकाबला होने वाला है। पहला ओवर चल रहा है, स्कोर 6 रनों पर जा पहुंचा है। और सिंगल से काम नहीं चलेगा, बाउंड्री लगानी होगी। एक बाउंड्री और चाहिए इस ओवर में। फाइनल मुकाबला बंदीगढ़ बनाम नोनारी के बीच। 14 रनों का टारगेट, 6 या 7 रन हो चुके हैं। और ये ओवर की लास्ट गेंद, आतिफ के ओवर की लास्ट गेंद हो। अच्छा, आतिफ का ओवर हो चुका है। रबा है अब्दुल्ला, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अब्दुल्ला। एक दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना। ये दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर की पहली गेंद होगी और ये अच्छी फील्डिंग। 5 गेंदों पर 9 रन चाहिए नोनारी के मुकाबला जीतने के लिए। 5 गेंदें 9 रन, आसिफ फुल एंगल मार रहा है भाई। अब नोनारी जीतेगी इंशाल्लाह। देखिए क्या होता है राज भाई। और एक बार फिर वही शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पे आसिफ ने एक बार फिर गेंद को रोक लिया और सिंगल भी नहीं ले पाए। 4 गेंदें 9 रन के मुकाबला जीतने के लिए नोनारी। आकाश चोपड़ा गोला चला कि भाई बंदी कला कहाँ है। शायद 3 गेंदें बची, 9 रन चाहिए, 2 चौके चाहिए। चार गेंदें 9 रन। नोनारी के मुकाबला जीतने के लिए बेहद दिलचस्प मुकाबला। 4 गेंदें बची हुई हैं, 9 रन जियो। ये अगर हाथ ना लगाते आतिफ तो वाकई ये आउट होते, वाकई ये बल्लेबाज अस्फर आउट होते अगर हाथ ना लगाते आतिफ तो। 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए नोनारी को। 3 गेंदें 8 रन, 3 गेंद 8 रन ये मुकाबला जीतने के लिए नोनारी को। और
दो गेंद सात रन, अभी एक भी वाइड बॉल नहीं है, दो गेंदें सात रन, दोनों तरफ से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, एक्स्ट्रा रन तो नहीं हुए। और दो गेंद सात रन ये मुकाबला जीतने के लिए नोनारी को, दो गेंद सात रन। अगर इस गेंद पर बाउंड्री आई तो खेल में रोमांच बढ़ेगा। और ये चार रन, और ये अंपायर का इशारा, नो बॉल, कहीं ना कहीं ये मैच टाई हो सकता है, ये मुकाबला टाई हो सकता है। एक गेंदे दो रन, ये चौका और नो बॉल, ये बोनस का रन मिलता हुआ, दो गेंद एक गेंद दो रन नोनारी को ये मुकाबला जीतने के लिए। बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबला हो रहा है नोनारी बनाम बंदी कला के बीच। 14 रनों का टारगेट, 12 रन हो चुके हैं, दो रन चाहिए बाकी बची एक गेंद पर, एक गेंद दो रन। भाई गाली ना दें था आज, भाई गाली ना दें भाई। और ये मुकाबला टाई। अच्छा भी नहीं गेंद है, ओ सॉरी भाई, एक गेंद है, एक गेंद एक रन, मुकाबला टाई हो चुका है, एक गेंद एक रन। अब वहाँ कुर्सी लगा के बैठे आराम से देखेगा मुकाबला हार। जी भाई नो बॉल थी भाई, वही मैं कंफ्यूज हो गया था, नो बॉल थी। एक गेंद एक रन ये मुकाबला जीतने के लिए नोनारी, देखना क्या होता है, एक गेंद एक रन, बेहद रोमांचक मुकाबला फाइनल का। और ये नो बॉल, और नोनारी ने मुकाबले को जीत लिया, नोनारी ने मुकाबले को जीत लिया, फाइनल मुकाबले को नोनारी ने जीत लिया, नो बॉल हो गई और नोनारी ने मुकाबले को जीत लिया है, नोनारी ने फाइनल मुकाबले को जीत लिया और रनर अप टीम है बंदी कला। फैज एंड कंपनी ने मुकाबले को जीत लिया है और बंदी कला जो है वो सेकंड आई है। तो मिलते हैं अभी कुछ दिन में प्राइज सेरेमनी में। तो बेहद ही रोमांचक मुकाबला था ये नोनारी बनाम बंदी कला के बीच, जिसमें नोनारी ने फाइनल मुकाबले को जीत लिया है और सेकंड मुकाबला है जो सेकंड आई है टीम वो बंदी कला। यार हमदा भाई गाली क्यों दे रहे हैं यार, भाई लाइव चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, कम से कम ये तो ना करें यार, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है भाई, ये क्या तरीका है यार गाली देने का। गेम है, कोई तो हारेगा ही, जीत गई भाई नोनारी।